हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ होता क्या है, टू जो होते हैं वो कौन अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और कौन कम अभिक्रियाशील होते हैं उसके बारे में इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के माध्यम से पता चलता है। सबसे पहले हम इसके डिफिनेशंस को जानेंगे, उसके बाद तो विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को उसकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक उदग्र स्तंभ में सजाया गया जिसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहा गया। मतलब इसे एक स्तंभ के द्वारा सजाया गया कि कौन कितना अभिक्रियाशील है अधिक या कम के आधार पे। जो सबसे कम होता है उसको सबसे नीचे रखा गया, उसके माध्यम से सजाया गया। अब यहाँ पर हम उदग्र स्तंभों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कितना अभिक्रियाशील है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके स्क्रीन के सामने कि पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जो ऊपर से नीचे की तरफ एरो के माध्यम से अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में दिखाया गया है। तो पोटेशियम सबसे अधिक, सोडियम उसके बाद, कैल्शियम उसके बाद, मैग्नीशियम उसके बाद, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, टीन, उसके बाद लेड आता है। इसके बाद हमारा पुनः स्टार्ट होता है, इसके बाद हमारा हाइड्रोजन बीच में है, उसके बाद पुनः घटते क्रम में और सजाया गया। तो हाइड्रोजन उसके बाद यानी कि लेड के बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद आपका Ag यानी कि सिल्वर, उसके बाद Au, उसके बाद Pt। Pt जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील यहाँ पर पदार्थ है, जिसको कि सबसे कम अभिक्रियाशील इसमें बोला गया है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से अभिक्रियाशीलता को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें तथा लाइक करें हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।